दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की एक और नए अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र के दादर नगर हवेली से लेके वापी तक का अपडेट इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, बट इससे हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। यहाँ पर ज़्यादातर हिस्से में आपको इस पैच में अर्थवर्क का काम होता हुआ दिखेगा। यहाँ पर एक अंडरपास बनाया जा रहा है और एम्बैकमेंट का काम भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। इसके आगे भी अगर आप देखेंगे तो आपको अर्थवर्क का काम पूरा होता हुआ दिख रहा होगा। तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर के हिस्से में ऐसे ही आपको सिर्फ अर्थवर्क का काम ही होता हुआ दिखेगा इस पूरे पैच में। इस स्टेट हाईवे पे एक ओवरब्रिज का काम चल रहा है, जो कि अभी इसका पियर्स का काम हो रहा है। यहाँ पे यहाँ पर सिलवासा इंटरचेंज बनाया जा रहा है, जिसका काम आपको होता हुआ दिख रहा होगा। अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर सिर्फ अर्थवर्क का काम ही होता हुआ अभी तक दिख रहा होगा। आगे तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर के एरिया में आपको अर्थवर्क ही होता हुआ दिखेगा इस पूरे पैच में। अभी हम तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पे आ चुके हैं। सामने जो आपको दिख रहा है ये दमन गंगा रिवर है, जहाँ पर आपको अभी एक ओवरब्रिज का काम होता हुआ दिखेगा, जिसका काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे एक छोटा सा पैच है जहाँ पे आपको PQC की लेन दिख रही होगी, जो कि कंप्लीट है। अभी यहाँ पर पेयर्स का काम स्टार्ट होना बाकी है। जैसा कि हमें अपडेट मिला था, यहाँ पर अभी पेयर्स का काम स्टार्ट होगा भी नहीं लगभग सितंबर अक्टूबर तक, बिकॉज अभी बारिश का सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ का पानी का जो लेवल है वो काफ़ी ऊपर उठ जाता है, जिसकी वजह से काम अभी स्टार्ट नहीं होगा। इस रिवर के पैच से अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे भी आपको सिर्फ अर्थवर्क ही होता हुआ दिखेगा। इस पूरे पैच में काम जो है वो काफ़ी डिलेड चल रहा है, बट हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूँ तो काम अभी बहुत तेज़ी के साथ किया जा रहा है इस पूरे एरिया में।
आज का ये हमारा वीडियो यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वहीं अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।